भ्रष्टाचार को सरकारी नौकरी का अधिकार समझने वाला एक और पुलिस अधिकारी स्टेट विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया है। जी हाँ, खबर हरियाणा के यमुनानगर जिले से है, जहां पुलिस स्टेशन जठलाना में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात दर्शन लाल को 8,000 की घूस लेते समय रंगे हाथों दबोच लिया गया। आरोप है कि दर्शन सिंह शिकायतकर्ता से पहले भी 30,000 रुपए ऐंठ चुका है और 8,000 रुपयों के लिए अलग से दबाव बना रहा था। शिकायतकर्ता की माने तो दर्शन सिंह उनके घर से लापता हुई एक महिला को ढूंढने के बदले ये रकम मांग रहा था। मामला जी थोड़ा हमारे घर से थोड़ा ऐसा था, लेडीज का जी, वो बच्चों के साथ कहीं थी जी, उसे ढूंढने के लिए वो था, उसमें वो बस इसमें हमारे से 50,000 की वो करी गई थी, डिमांड रखी थी, तो ले दे के 40,000 में बात हो गई थी जी, तो 30,000 उन्होंने पहले दे दिए थे जी, तो कुछ रह गए थे, तो उसमें मैंने बाकी बाद में या थोड़ी रिक्वेस्ट करके 2,000 छट पाने के, उसमें 8,000 में और बाकी देने की बात करी थी। जिसके आधार पर जो है हमने ट्रैप किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे रंगे हाथों पकड़ा लिया। रिश्वत की शिकायत थी। किस पद पे तैनात है, क्या ये थाना जठलाना में ASI के पद पर तैनात।